हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपको मैं GSTR-2B रिकन्सिलेशन के बारे में बताऊंगा। 2B तो आप ऑटो पॉपुलेटेड जैसे ही पोर्टल पर आपका ITC आता है उसे क्लेम कर लेते हैं, बट आप 2B में रिकन्साइल करने में बहुत इश्यू आता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और इजिली स्टेप से बताऊँगा जिसे आप 2B अपने बिजी में रिकन्साइल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टू बी रिकन्साइल करने से पहले आपको अपनी बिजी में आके कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इन्वेंट्री में नहीं, जीएसटी एंड वेट में जाएंगे। जीएसटी एंड वेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जीएसटी पोर्टल यूजर नेम। जो आप यूजर नेम लॉगिन करते हैं तो आप वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालते होंगे, तो आप ये यूजर नेम डाल देंगे अपना। यहाँ पर यूजर नेम डालने के बाद इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन जीएसटी मिसकेलेनियस यूटिलिटीज में आना है। उसके बाद आपको अपना जो भी 2B का डाटा है, जो आपको आपकी पार्टीज ने R1 में आपको शो कराया है, उसे रिकनसाइल करने के लिए आपको 2B का डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा। वो डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड GSTR JSON डाटा में आना है। डाउनलोड GST2B, इसमें आप 2A भी रिकनसाइल कर सकते हैं, GSTR 1B एंड 3B। तो मैं आपको बताऊंगा कि 2B रिकनसाइल कैसे करना है। पहले अपने 2B का डाटा डाउनलोड करेंगे। रिसेंटली हमारा दिसंबर का मंथ अभी गया है, तो मैं आपको दिसंबर का डाटा रिकनसाइल करके दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन दिख रहा होगा डाटा डाउनलोड का, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे एक OTP पूछेगा, आप OTP डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद इसको आप सेव कर लीजिएगा। उसको सेव करने से पहले आपको एक काम बहुत जरूरी है जो करना होगा, आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करके, पोर्टल लॉगिन करने के बाद एक एक्सेस देना होगा, API एक्सेस। वो मैं आपको बताता हूँ एक्सेस कैसे देना है। उसको एक्सेस देने के लिए आपको पहले GST का पोर्टल लॉगिन करना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद ही आप अपना GST का एक्सेस दे पाएंगे। अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे API, यहाँ पे आप जाएंगे, अपने यूजर में जाएंगे, यहाँ पे आएगा माय प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज API एक्सेस, इस पर क्लिक करेंगे। मैनेज API एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा, इसको आपको रिक्वेस्ट इनेबल API रिक्वेस्ट को यस करना है। यस करने के बाद आपको जितने भी दिन का आपका मैक्सिमम OTP द्वारा नाम मांगे आपको वो चाहिए, उतने दिन सेलेक्ट कर लीजिए। आप 30 डेज बाद ही आपसे ये OTP मांगेगा। ये ओके करने के बाद कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद आपको अपना वापस बिजी में आना है। आप अपना यूजर नेम डाल चुके हैं जहाँ पे आपको मैंने बताया सेटिंग में डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे एक OTP मांगेगा। आप अपने बुक्स में OTP डाल दीजिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। वो OTP डाउनलोड डालने के बाद आपका डाटा 2B का डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपका 2B का डाटा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको रिकन्सिलेशन पे आना है। रिकन्सिलेशन में आपको 2B में जाना है। मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा, आपको पार्टी वाइज भी और वाउचर वाइज भी। पहले मैं आपको बताता हूँ वाउचर वाइज की, आपको वाउचर वाइज कैसे रिकन्सिलेशन करनी है। मैं मंथ दिसंबर सेलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद करंट पीरियड, अगर आपको 0 रेट का जो आइटम्स होती हैं आपकी उसके भी बारे में भी 2B में चेक करना है तो उसको यस करना पड़ेगा। RCM की एंट्री है वो भी यस कर दीजिएगा। अगर वाउचर नंबर और डेट को जो डिफरेंस होता है आपकी बुक्स का और पोर्टल का, जो पार्टी ने आपके नाम पे दिखाई है, उसको इग्नोर करना है तो यस कर दीजिएगा, और नहीं करना तो नो कर दीजिएगा। सेकेंड है आपका पार्टी वाइज डिटेल, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे यस कर दीजिएगा। और अमाउंट जो है अगर आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं, जैसे आपके पोर्टल पे किसी ने 9 रुपये दिखाया है टोटल अमाउंट और आपकी बुक्स में 10 रुपये चढ़ा हुआ है, उसको आप इग्नोर करना चाहते हैं टोटल अमाउंट को, तो उसे यस कर दीजिएगा वरना ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे टोटल समरी आ जाएगी कि आपके टोटल बिल 2B में जो आपको शो करे हैं, मेरे पास देख लीजिए जो मेरे 2B में और बुक से मैच हैं, टोटल बिल मेरे पास 45 है जो कि मेरी 2B में जो पार्टी में दिखाए हैं वो, और जो मेरी बुक्स में है वो। ये टोटल बिल मेरे बुक से और 2B से देख सकते हैं आप, टोटली मैच है, ये ब्लू है, इसका मतलब फुल्ली सक्सेसफुली मैच है। ये देख लीजिए फुल्ली मैच डॉक्यूमेंट, ये 45 डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे 2B से और मेरी बुक से सारे डॉक्यूमेंट मैच हैं। और मेरा जो है पार्टली मिसमैच डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी वाउचर नंबर का डिफरेंस नहीं है और डेट्स का भी कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा मेरे मिसिंग डॉक्यूमेंट डिफरेंट इन अमाउंट, मेरे वाउचर्स के जो अमाउंट्स में है जो 2B में शो कर रहा है और मेरी बुक्स के अंदर भी है, जिनका अमाउंट का फर्क है बस, वो डॉक्यूमेंट यहाँ शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, आदित्य ट्रेडिंग कंपनी है,
जिसने उन्हें सर को बिल दिखाया है, इसका 2B में बिल दिखाया ने 98,000 रुपये का, मेरे बुक्स में है 35,000 रुपये का। तो इसके लिए इसका बस अमाउंट का डिफरेंस है, बाकी मेरा टैक्सेबल अमाउंट टैक्स सब मैच है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरी बिजी में मिसिंग है, मिसिंग डॉक्यूमेंट एंड बिजी डाटा। ये वो डॉक्यूमेंट जो 2B में तो शो कर रहे हैं बट मेरी बुक्स में नहीं चढ़े हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट है, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट जो है ये मेरी बिजी में नहीं चढ़े हुए और 2B में इन पार्टीज ने मेरे नाम पे दिखा रखा है। ये वो सभी पार्टियां हैं जिन्होंने मेरे नाम पे 2B में बिल दिखाया हुआ है जो मेरे बुक्स में एंटर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये सारे बुक्स में अगर मैं बिल चढ़ा दूंगा तो ये सारे इन्वॉइसिस मेरे फुली सक्सेसफुली जो मैच है वहां डॉक्यूमेंट में एड हो जाएंगे। और उसके अलावा ये मिसिंग डॉक्यूमेंट जिस्टर 2B, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे बुक्स में तो चढ़े हुए हैं दिसंबर के मंथ में बट 2B में पार्टीज ने अभी भी नहीं दिखाया है, तो इसलिए रिकनसाइल में ये वो पार्टीज के नाम आ रहे हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास चढ़े हुए हैं बुक्स में, ये बिल्स मैंने अपने परचेज फाइल्स में बिल्स में चढ़ाया हुआ है बट ये पार्टीज ने 2B में नहीं दिखाया हुआ। तो ये बिल जब भी पार्टी ने जो बिल मिसिंग करे हैं ये पार्टी नेक्स्ट मंथ जैसे इनको दिखाएगी तो मेरे 2B में ऑटोमेटिकली एड हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ 2B पार्टी वाइज रिकनसाइल कैसे करना है। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आप फिल्टर लगा सकते हैं पर्टिकुलर सिंगल आइटम पे, जैसे मैं पर्टिकुलरली सिंगल आइटम पे पार्टीज पे लगा लेता हूँ फिल्टर। ये दिसंबर की सिंगल पार्टी है जिसमें मैं फिल्टर लगा रहा हूँ, आदित्य ट्रेडिंग कंपनी। मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, इसको पहले नो करना पड़ेगा वरना मेरे को दिखाएगा नहीं टोटल। ये इसको मैं ये दिखा देता हूँ, ये नो पार्टीज नो बिल्स हैं इस पार्टी के जो कि 2B में इसने मेरे को दिखाए हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ITC अवेलेबल पे आप देखेंगे यस लिखा हुआ है, ये मेरी बुक्स में चढ़े हुए हैं और ये पार्टी ने 2B में ड्यू डेट यानी कि 11 तारीख से पहले पहले ये बिल्स उन्हें दिखा दी हैं, तो मेरे सक्सेसफुली मैच है। अब मैं आपको दिखा दूँ टोटल पार्टी हो गए सब पार्टी हो गए, तो ये फिल्टर हटा दूंगा मैं, मंथ सेलेक्ट करूंगा और F2 करके सेव कर लूंगा। ये टोटल्स पार्टी का खुल गया है, देखिए रिटेल ट्रेडिंग कंपनी सबसे पहले आई है जिसका मेरा सक्सेसफुली मैच है, ये एयर प्लाजा इसका भी मेरा मैच है, ये अमेजोन के 8 इनवॉइस है जिनमें से 4 मेरे बिजी में चढ़े हुए हैं और 8 उसने पोर्टल पे दिखा रखे हैं जो कि मेरे 4 बिल्स ऐसे हैं जो मेरे बुक्स में नहीं चढ़े। सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ मेरे बुक्स में चढ़े हैं और पार्टी ने इसका 1 भी बिल अभी तक 2B में नहीं दिखाया, तो GST 2B में डाटा में 0 शो कर रहा है। ये बिजी वाला डाटा मेरा है और 2B वाला डाटा पोर्टल का है। ये डीके इंटरप्राइज मेरा मैच है सक्सेसफुली, इसका 4 इनवॉइस मेरे बुक्स में चढ़े हुए और 4 2B में जो है दिख रहे हैं सक्सेसफुली मैच है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस पार्टी का ITC ले लिया है और किसका नहीं लिया है, ये आप कैसे मेंशन करेंगे। तो चलिए मैं आपको उसको और डिटेल में बताता हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले मंथली ITC टैगिंग अस पर जेस्टर 2B में आएंगे, इसको डेट वाइज सिलेक्ट करेंगे। मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले दिसंबर की, दिसंबर में कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पे इसको यस करके आप इसे बुक्स या 2B दोनों से लेंगे इसका कोई मतलब नहीं, आप एक दोनों जैसे मुझे सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, दोनों में डाटा पूरा पूरा दिखाएगा। मैं ओके करके दिखाता हूँ आपको, इसे मेरे पूरा मंथ का डाटा खुल जाएगा जिससे मैं ये स्पेसिफाई कर पाऊंगा कि मैं इस मंथ दिसंबर में जो मेरे बुक्स में चढ़ा हुआ है वो डाटा का ITC क्लेम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है इसके सारे इन्वॉइसेस मेरे बुक्स में चढ़े हुए हैं, देख सकते हैं आप ये सारे बिल मैच हैं। अब इनको मैच तो है बट इसे मैं क्लेरिफाई कैसे करूँ कि ये मैं ITC का ले लूंगा या छोड़ दूंगा, ये चीज मुझे कैसे बिजी मेंशन करेगा। इसके लिए आप जिस भी पार्टी का इसको आप जो मैच है उनको सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे स्विफ्ट और एरो से नीचे ले आइए। ये सारी पार्टीज हैं, जैसे ये पार्टी यहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे सारे ITC मैच है, तो मैं इसमें F4 प्रेस करूंगा। F4 प्रेस करने से मेरा एक ITC क्लेम स्टेटस खुल जाएगा, मैं इन सब पे ITC लूंगा क्योंकि मेरे सक्सेसफुली मैच है, इसलिए मैं इसमें क्लेम पे करके और जिस मंथ में ITC लूंगा वो मंथ सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे स्टेटस आ गया, मेरा स्टेटस पे चेक कर सकता क्लेम्ड आ चुका है क्योंकि मैं इसमें क्लेम करूंगा, ये क्लेम्ड हो चुका है। ये ऐसे इन सब पे मैं सिलेक्ट करके इसको कर दूंगा। ये जो पार्टी है ये पार्टी आप देख सकते हैं टेम्पू ट्रांसपोर्ट वाला है, सोनू टेम्पू ट्रांसपोर्ट वाला, इसने तो एक बिल जो है 2 बिल मेरे नाम पे दिखाए हैं बट मैंने बुक्स पे नहीं चढ़ाए हैं, तो उसका ऑटो पॉपुलेटेड आएगा कि ये 2B में ऑटो पॉपुलेटेड आएगा इसका ITC, पर मैं इसका ITC अपने बुक्स में इन्वॉइस चढ़ाने के बाद फिर क्लेम कर सकता हूँ मैं। अगर आप बुक्स में बाद में चढ़ाना चाहें और नॉर्मल ITC भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, पहले ITC ले लीजिए आप और बुक्स में इन्वॉइस को बाद में चढ़ा लीजिएगा। ऐसे ही मैं सेम ये प्रोसेस करूंगा इन 3 पार्टी के साथ, इनको सिलेक्ट करूंगा मेरे बिल्स मैच हैं और F4 करके ITC क्लेम कर लूंगा। अब जिस ITC को आप जान चाहते हैं, जैसे ये पार्टी है, ये ITC आपको लगता है इनएलिजिबल ITC है, इसका आपको ITC नहीं लेना, ये पार्टी का आपको जेन्युइन ITC नहीं है, तो यहाँ पे आप इस पार्टी के नाम पे आके F4 प्रेस करेंगे और इनएलिजिबल ITC में जाके इसको ओके कर देंगे।
तो ये आईटीसी के स्टेटस इनएलिजिबल बन जाएगा। अब इसके अलावा जिस पार्टी पे आपको ये सेट करना है कि इस पार्टी का इनएलिजिबल आईटीसी है, तो आप इनएलिजिबल सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जिस पार्टी का आपको शो करना है कि मुझे इस पार्टी का आईटीसी क्लेम ही नहीं करना, तो आप चाहे तो पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं या नो टू बी क्लेम भी छोड़ सकते हैं। अब जिस हिसाब से दिखाएंगे आपको रजिस्टर में, उसी हिसाब से आईटीसी शो करेगा। तो आप मैनुअली सिलेक्ट करके पार्टियों को सबको क्लेम करना है तो क्लेम का स्टेटस डाल दीजिए, नॉट एलिजिबल है तो नॉट एलिजिबल कर दीजिए, और नो क्लेम करना है नहीं करना उस हिसाब से मैसेज डाल करके इसको मेंटेन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जितनों का आईटीसी हमने ले लिया है वो कैसे शो करेंगे, पेंडिंग का और इनएलिजिबल का सब कर दिखाता हूँ मैं आपको। इसके लिए आपको जाना है आईटीसी क्लेम रजिस्टर में, आप जाएंगे इसको भी डेट वाइज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसको मंथ सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है आईटीसी स्टेटस। अब आपको देखना है किन किन पार्टी का अपना आईटीसी जो आपने रिकनसाइल किया है, किस किस पार्टी का अपना आईटीसी लिया है जो कि आप टूबी में मेंशन करेंगे, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए मैं इतनी पार्टियां हैं जिनके नाम पे मैंने स्टेटस डाला है कि इन सब पार्टी मेरी रिकनसाइल में मेरी बुक से और पोर्टल से मैच है, ये सारी पार्टी मेरी मैच है सक्सेसफुली, तो इनका स्टेटस मैंने क्लेम डाला था तो क्लेम शो कर रहा है। अब जिनका आप नॉट एलिजिबल डालेंगे तो उनका नॉट एलिजिबल शो, ये देखिए इस पार्टी का मैंने डाला था कि ये आईटीसी जो है नॉट एलिजिबल है इसलिए मैंने इसका शो कर दिया था, तो आईटीसी क्लेम में शो नहीं करेगा, ये नॉट एलिजिबल आईटीसी में आपका शो कर जाएगा। अब इसके अलावा आप जिसको आप डालेंगे नो टू बी क्लेम, या इसके अलावा आप चाहते हैं कि आप सबका देखना चाहते हैं तो एक साथ ऑल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको टू बी रिकनसाइल करने में बहुत आसानी रहेगी, जिससे आपके पास सारे डाटा का रिकॉर्ड रहेगा, किस किस पार्टी का अपना आईटीसी लिया है, किस किस का नहीं लिया, इससे आपको आसानी बहुत रहेगी, इससे आप रिकनसाइल कर पाएंगे पूरे डाटा के आईटीसी को। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊंगा कि पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो वैलिडेट अगर आपको करना है, चेक करना है कौन सी पार्टी एक्टिव है कौन सी नहीं है, किसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है किसका नहीं हुआ, इसके लिए आप यहाँ पे सारे पार्टी मास्टर लोड कर लीजिएगा और ऑनलाइन वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो सारे रिजल्ट आपके रिकनसाइल होके मतलब वैलिडेट हो गए ऑनलाइन पोर्टल से और आ जाएगा। जैसे सारी पार्टी के नाम आ गए इन सब का मेरा शो करेगा सारे स्टेटस एक्टिव है, जैसे ये पार्टी आ रही है इस पार्टी का जीएसटी नंबर कैंसिल है तो कैंसिल शो कर रहा है, इसके अलावा किसी का सस्पेंड है तो ये शो कर रहा है कि इस पार्टी का जीएसटी नंबर सस्पेंड है, इसके अलावा और भी है जैसे ये शो कर रहा है सिटी का ये कैंसिल हो चुका है, तो सारे स्टेटस आपको मिल जाएंगे किस पार्टी का जीएसटी नंबर एक्टिव है और किसका कैंसिल है। इसके अलावा आप अपने आप सारे एचएसएन कोड जो आपके बुक्स में है वो आपको चेक करने हैं कौन से एक्टिव है और कौन से नहीं है, तो ये भी आपको सारे स्टेटस मिल जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और कौन सा इनवैलिड है और कौन सा वैलिड है आपको सारे शो कर जाएंगे, इससे आपको बहुत आसानी से रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कौन से पार्टीज का अपना डाटा एचएसएन और जीएसटी नंबर कौन कौन से वैलिडेट है और कौन से नहीं है। देखिए मैं आपको एचएसएन कोड सारे वैलिडेट करके दिखाता हूँ, इनके अगर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि आपका जो एचएसएन कोड है वो किस आइटम का है और इसका किस चीज में यूज होता है, वो इससे आपको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आइटम में नाम आ गया, एचएसएन कोड आ गया और देखिए ये वैलिडेट यानी कि सारे एचएसएन कोड ठीक है, जो इनवैलिड होगा वो उसके आगे ऑलरेडी लिखा आ जाएगा इनवैलिड है, इसको आप मैनुअली आइटम को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत से आइटम है मेरे पास जो इनवैलिड है जिनका एचएसएन कोड, इसे मैनुअली मुझे ठीक करना होगा, जो वैलिड है उसके आगे वैलिड आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको आप मैनुअली कर सकते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा पार्टी का आईटीसी जब भी आप देंगे उससे पहले एक चीज को आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा कि आप किसी पार्टी को अगर पेमेंट करते हैं वो पार्टी आपको टू बी में आपका डाटा में जो है आपको आईटीसी सही दिखा रही है नहीं दिखा रही, ये चीज़ आप पहले जरूर चेक कर लीजिएगा, उसी के बाद अगर आपको आईटीसी उसका शो कर जाता है टू बी में तो ही आप उसको पेमेंट कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। आप यहाँ पर रोज डाटा अपना मंथ के एंड में एक बार ही टू बी डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद आप उस पार्टी के नाम पर फिल्टर लगा के पर्टिकुलर चेक कर लीजिएगा कि आप पार्टी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पार्टी को डालता हूँ, अगर मेरा इस पार्टी का सारा रिकनसिलेशन मैच है तो मैं ही इस पार्टी को पेमेंट करूंगा, अगर रिकनसाइल में स्टूबी में पार्टी ने नहीं दिखाया है आईटीसी मेरा रोक रखा है रिटर्न्स फाइल नहीं करी R1 तो मैं उसको पार्टी का पेमेंट भी रोक लूंगा, आप टैक्स का अमाउंट उस पार्टी का रोक लीजिएगा जिससे आपको आगे आईटीसी क्लेम करने में दिक्कत ना आए। ये देखिए मेरा 99% इस पार्टी का आईटीसी सारा मैच है, लेकिन जोन सा इनवॉइस ने नहीं दिखाया होगा मेरे नाम पे मैं उसका आईटीसी रोक लूंगा, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी रिकनसाइल करने में। इसके अलावा अगर और भी आपको रिकनसाइल में दिक्कत आती है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इससे मेरी बारी रिकनसिलेशन स्टेटस में आप देख लीजिएगा और अगर आपको और कोई इशू है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बात कर सकते हैं आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा आप रिकनसाइल करते वक्त करने के बाद एक बारी यहाँ पर जो आईटीसी मंथली टैगिंग का भी स्टेटस को यस करेंगे तो आपने जो रिकनसाइल किया है आईटीसी जितना भी फाइनलाइज किया है वो आपको आईटीसी जो दिखाएगा यहाँ पर वही दिखाएगा,
जितना भी ITC यहाँ पे आएगा, जो रिलेटेड जितना भी दिखाएगा आपको, सारा ITC 3B में आपका जो अपने ITC क्लेम रजिस्टर में ITC को यस किया है वो वाला ITC सारा आपका पिकअप करेगा। उस हिसाब से भी आपको GST समरी भी मैच करने में आसानी रहेगी। उसके लिए बस आपको ये वाले पे ITC फ्रॉम मंथली टैगिंग को यस करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ITC की रिकॉर्डिंग 2B की रिकॉर्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम हो, इशू हो, मैं आपको सॉल्व जरूर करूँगा, आप मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।